A very delightful evening, guys, and welcome to GoPrep, which is powered by the Times of India Group. So, how you people are doing? Do let me know into the chat box, guys. Jaldi se, guys. Do let me know into the chat box how you people are doing. Jaldi se, sabhi pyare pyare bachche bata denge fatafat chat box mein. And agar meri aawaz aa rahi hai, mujhe dekh pa rahe hain, mujhe sun pa rahe hain, to ek baar aaye ki bauchhaar into the chat box. Jaldi se, bina ruke bina dame chat box mein aaye. राइट आई टू द चैट बॉक्स गाइस, जल्दी से आए लिख देंगे सारे के सारे बच्चे. बहुत बढ़िया सुप्रिया, बहुत बढ़िया धीरेन्द्र गंगवार, बहुत बढ़िया, बहुत सही, मजेदार, खतरनाक, औसम. चलिए गाइस, बहुत बहुत बढ़िया. चलिए तो आज क्या करने वाले हैं सर? आज कुछ क्रेजी साइंस के रॉकेट्स बनाने वाले हैं. मैं सारे तरीके के आज नहीं सिखा रहा हूं, एक और पार्ट लेके आऊंगा जहां पर और भी तरीके के रॉकेट्स में बताऊंगा. आज कुछ ऐसे बता रहा हूं जो कि आप अभी जाके घर पे कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हमारे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दिस, द पीपल आर कमिंग टू दिस प्लेटफॉर्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यू आर सपोज्ड टू कॉल मी डीएस वीएच सर और सुनील सर. On the left hand side, you can see a lot of information about me, and on the right hand side, you can see a cutie cutie photograph of mine, right? So go prep है जहां तंदरुस्ती है वहां. So guys, again a very warm welcome to go prep, which is powered by the Times of India Group. तो चलिए सर, आज क्या करने वाले हैं? आज क्या करने वाले हैं हम बनाएंगे आज सैनिटाइजर रॉकेट, कार्बन डाइऑक्साइड रॉकेट और स्टॉम्प रॉकेट. क्या बनाएंगे? सैनिटाइजर रॉकेट, कार्बन डाइऑक्साइड रॉकेट और स्टॉम्प रॉकेट. ये तीन तरीके के रॉकेट बनाएंगे, घर पे बन जाते हैं एकदम मस्त तरीके से. दिखाऊंगा आपको किस तरीके से, कुछ इस तरीके से कुछ सेटअप है जो घर पे आप बना सकते हैं. दिखाऊंगा कैसे बनेगा ये, बढ़िया से एकदम आराम से बन जाता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ काम है. और काम किस पे करता है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करते हैं. आई होप आप सभी को पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट? दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है ना, जो एक्शन फोर्स होगा जस्ट अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड का रिएक्शन फोर्स होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है. ठीक है, तो अब ये सैनिटाइजर रॉकेट बनता कैसे है सर, आप प्लीज हमको वो सिखाइए. ठीक है, अभी सैनिटाइजर बहुत लोग यूज करते हैं, जैसे मेरे पास भी ये लिक्विड सैनिटाइजर है, मैं बता देता हूं आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए. ठीक है, देखिए आपको क्या चाहिए, आपको एक माचिस का डब्बा चाहिए, एक लिक्विड सैनिटाइजर चाहिए और एक एम्प्टी बॉटल चाहिए. जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक एम्प्टी बॉटल पड़ी हुई है, आई होप यू कैन सी दिस पार्ट, एम्प्टी बॉटल, एक सैनिटाइजर और एक माचिस का डब्बा. अच्छा, पहली चीज अभी नहीं बोलेंगे कि सर उड़ा के दिखाओ, है ना, अभी मैं भी घर के अंदर हूं, ऐसे धमाके वमाके हो जाएंगे तो मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसलिए आप घर से बाहर जाके इस चीज को करेंगे. सो डिस्क्लेमर यह है कि आप अडल्ट सुपरविजन में इस चीज को करेंगे. ठीक है, प्लीज डू दिस एक्सपेरिमेंट इन अडल्ट सुपरविजन, प्लीज अपना हाथ पैर मत जला लेना. ठीक है, मैंने तो ये बहुत बार किया हुआ है इसीलिए मुझे पता है कि कितने दूर से जलाना है. आप लोग ऐसा नहीं करना कि माचिस को अंदर ही डाल दिया, हाथ जल जाएगा. ठीक है, पहले वीडियो दिखाता हूं फिर बताऊंगा कैसे करना है. देखिए ध्यान से देखेंगे, आपके सुनील सर गोप्रेप पर टी शर्ट पहन के खड़े हुए हैं. मैं अपने कैमरा को बंद कर देता हूं ताकि आप लोग इस चीज को देख सकें अच्छे से, राइट? आप देख सकते हैं कि आपके प्यारे प्यारे सुनील सर यहाँ पे खड़े हुए हैं. एंड देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, ये रॉकेट कैसे चलता है ये देखिए, मजेदार है ना. चलिए थोड़ी सी आवाज भी सुना दी जाएगी आपको इसके बाद. अच्छा, आवाज मैंने म्यूट कर दिया था वीडियो का, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही देख लीजिए. ये देखिए उड़ते हुए नजर आ रहा है ना, बहुत स्पीड से जाता है. ठीक है, आप जितना इसको इंक्लाइंड प्लेन पे रखेंगे उतना ऊपर भी जाएगा. तो करना क्या है और ये होता क्यों है, ये सब चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा. ठीक है, करना क्या है और करना कैसे है ये सारी चीजें मैं आपको बताता जाऊंगा, फिर आप मुझे चैट बॉक्स में बताना कि सर समझ में आया कि नहीं आया. इस रॉकेट के एक बार बनने के बाद हम बात करेंगे. तो देखिए आपको करना क्या है बेटा, सबसे पहले आपको एक बॉटल को लेना है. क्या करना है, एक बॉटल को लेना है. यहां पर मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा उस चीज को. एक बॉटल को लेना है, उसके अंदर कैप जो है उसके कैप को आप ओपन कर लीजिए. ठीक है, अच्छा अब इस कैप के अंदर क्या करना है, हमको एक होल करना है. ये देखिए जैसे यहां पर मैंने होल किया हुआ है ना, ये एक होल करना है आपको. आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं. आप मान लीजिए पहले कंपास को लीजिए और इनिशियल होल आप ऐसे कर दीजिए, और या फिर कोई गर्म चीज लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई कील ले लिया आपने, उससे इसको रख के और फिर ठोकिए उससे होल कर दीजिए, या फिर मान लीजिए आपके पास कोई कैंची है, सीजर है, तो उसको डाल के आप क्या कर सकते हैं, इस होल को क्रिएट कर सकते हैं.
ठीक है. सो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू डू दिस पार्ट, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरीके से करना है. जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कैंची थी, तो अगर आप इससे करना चाहते हैं तो आप इससे करके भी इसके होल को ऐसे बड़ा कर सकते हैं. ठीक है, बताऊंगा इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि एक्शन फोर्स यही क्रिएट करेगा. अब इसको ऐसे क्लोज कर देंगे, है ना, इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे, और यहां से इस सैनिटाइजर की बॉटल को लेंगे, लिक्विड सैनिटाइजर लेना है हमें. मेरे पास स्प्रे के फॉर्म में, एटमाइज्ड फॉर्म में आ रहा है ये देखिए, इसके अंदर इसको इस तरीके से कुछ स्प्रे करना है. ठीक है ना, इसको इस तरीके से स्प्रे करना है. अगर आपको लगता है इसमें डिफिकल्टी आ रही है सर कि मेरे को होल से नहीं जा रहा सही से, कोई दिक्कत नहीं, इसको ओपन करके स्प्रे कर दीजिए इसके अंदर. ठीक है, इसको ऐसे ओपन करके अच्छे से स्प्रे कर देंगे मस्त, और फिर इसको ऐसे ऐसे रोल आउट करेंगे ताकि प्रॉपरली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ऐसे प्रॉपरली, है ना. ऊपर से होल से करना चाहते हैं तो ये होल से भी आप इजीली देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, है ना, इस तरीके से करेंगे. और फिर अब आप बोलेंगे जला के दिखाओ, ऐसा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं अभी घर पे हूं बेटा, उड़ेगा कहीं आग वाग लग सकती है, तो क्लास के बीच में ऐसी चीजें नहीं करनी, है ना. पर मैंने आपको वीडियो दिखाया, मेरा जो रिकॉर्डेड वीडियो था, आई होप आप लोगों ने देखा. यहां पर आपको क्या करना है, एक होल क्रिएट करना है, यू हैव टू क्रिएट अ होल. अब जैसे ही आप इग्नाइट करोगे तो आग लग जाएगी और ये चलने लगेगा. ऐसा क्यों है, बिकॉज इसके अंदर इथेनॉल या फिर प्रोपेनॉल जैसे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, और ये अल्कोहल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. अल्कोहल जो हमारा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, उसको बिलोंग करते हैं, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें. तो यहां पर इथेनॉल या प्रोपेनॉल का कंबशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे प्रोड्यूस CO2 एंड H2O प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी भी निकलती है. तो अब होता क्या है सर कि भाई मेरे यहां से जैसी जलाओगे तो इस छोटे से होल से, ये जो स्मॉल सा होल है ना आपके पास यहां पर, ये जो स्मॉल सा होल है, इसमें से एयर क्या करेगी, फटाफट जो एग्जॉस्ट गैसेज ये बनेगी, CO2 और H2O बनेगा ना यहां पे. भाई अल्कोहल को हम जला रहे हैं तो क्या होगा, एकदम से यहां से पूरा बर्न होगा और जो गैसेज होगी वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी. तो ये जो फोर्स है, ये एक्शन फोर्स है, इसका सिमिलर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट विल बी योर रिएक्शन फोर्स, जिस वजह से ये आगे की तरफ प्रोपेल होता है, दैट इज इट स्टार्ट्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन. फिर से समझा देता हूं, इसके अंदर आपका एल्कोहल है एंड दैट इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, आग इजीली पकड़ लेता है, तो फ्लेमेबल भी बोल सकते हो या इनफ्लेमेबल, दोनों ही सेम चीज है बोल सकते हो. जैसे ही डालोगे यहां पर माचिस की तीली लगाओगे, फटाफट से पूरा यहां से जलेगा, एग्जॉस्ट गैसेस यहां से बाहर निकलेगी, ये एक्शन फोर्स लगाएंगी, इधर से रिएक्शन फोर्स लेगा, ये आगे की तरफ जाएगा. दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिस वजह से ये मूव करता है. अब चैट बॉक्स में बता देंगे समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात समझा देंगे समझ में आया कि नहीं आया. बिल्कुल रिस्क है, हाथ पैर जल सकते हैं. इतना समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखेंगे आए, सर ये समझ में आ गया आए लिख देंगे. राशिद अहमद हेलो, इतना समझ में आ गया तो लिख देंगे आए. उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा भाई, बिल्कुल उड़ेगा, इसको इंक्लाइन प्लेन पर रख के उड़ाइए, अच्छे से उड़ता भी है ये. आए लिख देंगे, अगर ये वाला समझ में आया तो आए लिख देंगे. मैं आप लोगों को फिर से ये वाला करके दिखा देता हूं, मैं इसके वीडियो को बंद कर देता हूं और आप लोगों को वीडियो मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये बहुत स्पीड में जाता है. देखिए आपको हीट एंड लाइट दोनों, लाइट एनर्जी देखने के लिए मिलती है, राइट, गया ना स्पीड से. देखिए बेटा जब आप माचिस को इसके पास लेके जाएंगे, ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा, दूर से एकदम, ये दूर से एकदम, है ना, हाथ को दूर से रखिएगा. ऐसा नहीं कि ऐसे करके यू फ्लेम करके जला रहे ना बेटा तो हाथ जल जाएगा पक्के से, ऐसा नहीं करना है. मैं आपको फिर से सिखा रहा हूं, ये इस तरीके से माचिस को होल्ड करना है, ऐसे नहीं होल्ड करना है कि अपनी तरफ फ्लेम आ रही है हाथ, फिर तो भाई जल जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. मैं देखिए कैमरा ऑन करके भी बता देता हूं, मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है, चलिए ऑन करके बता देते हैं. लो बच्चों ऑन करके देख लो एक बार, देखो ये माचिस है, इसको ऐसे जलाया और इस तरीके से दूर से रखना है हाथ से, ऐसे नहीं कर देना है, फिर तो पक्के से हाथ जलेगा, गैसेस बाहर आएंगी ना, गर्म होती है. फर्स्ट टाइम में मेरा भी जल गया था इसीलिए सच बता रहा हूं, पंगे नहीं करने प्यारे बच्चों को, ठीक है. अब घर पे पड़े सामान से दूसरा रॉकेट बनाना सीखेंगे, एकदम बहुत सारे रॉकेट सिखाऊंगा अगले सेशन में, और भी बढ़िया बढ़िया बताऊंगा, देखना. क्या करना है सर मेरे को, मेरे को चाहिए क्या, एक शटल कॉक, 10 रुपए की आती है शटल कॉक, सस्ती वाली लेनी है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, योनेक्स की कॉक नहीं लानी है, 10 रुपए की कॉक, देखिए मात्र 10 रुपए की कॉक है, यही आपको लेकर आनी है, ठीक है ना, यही आपको चाहिए, आपको ज्यादा महंगी कॉक नहीं लेनी है, शटल कॉक, ठीक है. सो दिस इज द शटल कॉक,
बेकिंग सोडा का डब्बा घर में होगा, नहीं तो बेकिंग पाउडर होगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो समझ में आए ले लीजिए, दोनों ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं इस रिएक्शन में। उसके बाद इस बॉटल में मैंने विनेगर लिया हुआ है, क्योंकि जैसे आपकी मम्मी स्ट्रिक्ट है मेरी भी मम्मी स्ट्रिक्ट है, बॉटल मैं को ऊपर लाने नहीं दी है ना तो मैं इसमें विनेगर भर के लाया हुआ हूं। अच्छा, इसको खोलते हैं तो बड़ी गंदी सी स्मेल आती है इसके अंदर बहुत ज्यादा, नाक बंद हो तो सूंघ लेना चाहिए, बहुत गंदी स्मेल है लेकिन नाक खुल जाती है इससे, है ना। अब ये तो यहां पर है सर, करना क्या है बताता हूं। एक खाली बॉटल ली आपने, ये देखिए दिख रही होगी खाली बॉटल, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, उसके अंदर मैंने यहां पर विनेगर डाल दिया है। फिर आपको बेकिंग सोडा लेना है, एक शटल कॉक लेनी है, विनेगर आपके पास है, एम्प्टी बॉटल है, एक टिश्यू पेपर। अच्छा, टिश्यू पेपर कैसा दिखता है दिखा दीजिए सर। टिश्यू पेपर नहीं है तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, बनियान थी अपनी उसी को काट के उसके अंदर भर दिया था बेकिंग सोडा, वो भी पोरस होती है, हमें सिर्फ कॉन्टेक्ट कराना, ये पोरस होता है ना, छोटे छोटे होल्स इसमें, तो ये देख सकते हैं आप लोग टिश्यू पेपर है ना। बढ़िया बात है, सभी बच्चों को दिख रहा है तो अच्छी बात है, चलिए बहुत बढ़िया। अब करना क्या है सर फटाफट से बताओ। बिल्कुल बताते हैं, पहले एक बार वीडियो देख लो फिर समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके सुनील सर, आई होप आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे खड़े हैं और वहां पे उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब अपनी ही बात कर रहा हूं मैं। चलिए देखिए इस तरीके का रॉकेट कितना दूर तक जाता है, इसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए इस चीज को, जल्दी से देखेंगे। ये देखिए ये उड़ा, एक दो तीन, आई होप आप लोगों को दिखाई दिया होगा कि ये रॉकेट कितना दूर तक जाता है। वापस देखिए एक बार, फिर से देखिए, सुनील सर के स्टूडेंट्स हैं तो करके देखिए, मजा आएगा। चलो बेटा करके देखो, ये कैसे फिट करना है अब मैं आपको सेटअप बताता हूं। देखिए बेटा, ग्रीन कलर की बॉटल है मेरे पास स्प्राइट की, इसमें मैंने क्या भर दिया है, इसके अंदर मैंने विनेगर भर दिया है, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कलरलेस है। विनेगर क्या होता है, कैसे काम करता है, बिल्कुल आगे चल के कंसेप्ट समझाऊंगा, कोई टेंशन मत लो, सुनील सर आपको समझाएंगे बेटा। ये ले लिया, इतना काम पहला काम ओवर हो गया, बहुत बढ़िया। शटल कॉक हाथ में है, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या करेंगे, इस बेकिंग सोडा के डब्बे को ऐसे खोलेंगे और इसमें से हम क्या करेंगे, इस बेकिंग सोडा को हमारे टिश्यू पेपर के ऊपर ले लेंगे। देखिए बेकिंग सोडा को टिश्यू पेपर के ऊपर ले लेंगे, है ना, इसको मस्त तरीके से ऐसे ये ले लिया, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसको मैंने ले लिया है इसके ऊपर। अब इसको प्रॉपरली पैक करना है, हमको क्या करना है, प्रॉपरली इसको पैक करना है ताकि ये क्या है, बाहर की तरफ डुले नहीं, गिरे नहीं, है ना। अच्छी तरीके से पैक कर लीजिएगा इसको, ऐसा ना हो कि आपकी रिएक्शन से पहले ही वो गिर जाए बाहर, ठीक है। तो कैसे पैक करना है मैं आपको सिखा देता हूं। देखिए ये आपके पास है बेकिंग सोडा, इसको इस तरीके से कवर कीजिए और आगे और पीछे से दोनों तरफ से स्टेपलर से स्टेपल कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से बंद कर दिया है और मैं आगे और नीचे दोनों तरफ से स्टेपल आपके सामने ही करूंगा तो आपको दिखाई देगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको ऐसे पैक कर दिया है, आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब ये स्टेपलर लीजिए और मस्त इसको स्टेपल कर दीजिए ताकि बिल्कुल इंश्योरिटी हो जाए कि गिर नहीं रहा, क्योंकि रिएक्शन होने से पहले के बेकिंग सोडा रिएक्ट कर गया विनेगर से तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो CO2 निकल जाएगी, ठीक है ना। ये इस तरीके से कुछ पैक्ड है हमारा, बढ़िया तरीके से बंद हो चुका है, मैं हल्का सा फिर भी इसको ऐसे बंद कर दूंगा, ठीक। ये ऐसे कुछ पैक हो चुका है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये बेकिंग सोडा इसके अंदर है। अब इसको यूज करने का पीछे का रीजन ये है कि पोरस होता है, इसमें अगर कोई चीज जाएगी ना तो अंदर इजीली एंटर कर सकती है, है ना। अभी सूखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस ढक्कन को ऐसे प्यार से खोलिए, आजा बेटा खुल जा, चलिए बहुत बढ़िया। अब इस ढक्कन को ऐसे प्यार से खोलेंगे, इसको इसके अंदर डालेंगे, गिरना नहीं चाहिए, डायरेक्टली गिरा दिया तो रिएक्शन एक ही बार में हो जाएगी, रिएक्शन ऐसे नहीं करनी है हमको। इसको ऐसे लिया और इसका जो हेड है, देखिए इसका जो हेड है, इसमें इस कॉर्क को ऐसे फिट इन करना है, देखिए आराम से इसको ऐसे टाइटली फिटिंग कर देंगे, ठीक है। अब कोई भी बच्चा ये मस्ती नहीं करेगा कि सर अभी उल्टा करो इसको, अभी उल्टा करूंगा तो अभी ये टक घर में छत पे जाके भिड़ेगा और फिर जैसे आपके घर पे होता है वैसे मेरे घर पे भी होगा, है ना। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने फिट किया हुआ है, इसको बहुत अच्छी तरीके से, और फिर इसको पकड़ते हुए, इसको शटल कॉक को पकड़ते हुए इसको इन्वर्ट करेंगे, अभी नहीं करूंगा, है ना। तो ये आपका कुछ सेटअप इस तरीके से दिखाई देगा कि भाई बॉटल है, नीचे विनेगर है, यहां पर इस हमारा जो क्या बोलते हैं नैपकिन जो था हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास बेकिंग सोडा है जिसको हमने प्रॉपरली स्टेपलर से पैक कर दिया था और उसके बाद हमने क्या कर दिया, शटल कॉक को इस पर टाइटली फिट कर दिया है। दिख ही रहा होगा सभी को, मस्ती वाले बच्चे मुझे पता है नखरेबाज है, बोलेंगे सर अभी करके दिखाओ, हाँ फिर मेरे को पड़ेंगे जूस घर पे, मार पड़ेगी मेरे को, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखेंगे।
अब देखिए मैंने क्या किया इसके साथ, इसको किया उल्टा, देखिए उल्टा दिख रहा है ना, बॉटल को उल्टा किया, कॉक को पकड़ा हुआ, शटल कॉक को पकड़ा हुआ है, और अब देखिए क्या होगा। बहुत बढ़िया प्यारे प्यारे बच्चे, देखें पाट हवा में उड़ा, देखिए बहुत दूर तक जाता है, टेंशन बिल्कुल नहीं। सर ये कैसे होता है, बिल्कुल समझाएंगे, देखिए कैसे होता है, कैसे होता है ध्यान से समझेंगे। देखिए बेटा बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, दैट इज नथिंग बट योर बेकिंग सोडा, कॉमन नेम है बेकिंग सोडा, और बहुत डिफरेंस है बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में, सेपरेट सेशन लूंगा और बढ़िया तरीके से वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो इसको, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है बेटा, या फिर इसको सोडियम बायकार्बोनेट भी कहते हैं। अब जब मेरे प्यारे बच्चों ये रिएक्ट किससे कर रहा है, भैया विनेगर से रिएक्ट करवा रहे हो आप, है ना, तो विनेगर क्या है, विनेगर आपका एसिटिक एसिड का डाइल्यूटेड फॉर्म है, विनेगर क्या है, डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड का डाइल्यूटेड फॉर्म है। अब ये मत बोल देना एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है, ये बहुत गलत थ्योरी है। एसिटिक एसिड बनाने के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, इसका प्रोसेस भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, और विनेगर तो एसिटिक एसिड का ही डाइल्यूटेड फॉर्म है, जिसमें अगर 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है तो 95 ml वाटर है और 5 ml उसके अंदर एसिटिक एसिड है, ठीक है। अब जब ये आपका विनेगर और एसिटिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो कपल एक्सचेंज डांस करते हैं, कपल एक्सचेंज डांस कैसे, ये है आपका ए दैट इज कटायन और ये HCO3 माइनस हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, अनायन, ये लड़का लड़की, CH3COO माइनस एसीटेट, ये लड़की और ये H प्लस, ये फिर से लड़का। अब लड़का और लड़की क्या कर लेंगे, ये कपल एक्सचेंज डांस करेंगे, क्या करेंगे, कपल एक्सचेंज डांस करेंगे बेटा, ए बी के साथ नाच रहा है, सी डी के साथ नाच रहा है, ठीक है ना, कपल को एक्सचेंज करवा देते हैं हम, तो एने जो है ये कटायन है, है ना बेटा, ये क्या करेगा, अनायन के साथ भागने की कोशिश करेगा, लड़का लड़की के साथ, और ये लड़का इस लड़की के साथ, तो क्या बनेगा, CH3COONa सोडियम एसिटेट प्लस कार्बोनिक एसिड, और ये फर्दर डिसोसिएट होता है H2O और CO2 में, है ना, तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये सेकेंड वाला जो है That is nothing but your decomposition reaction. तो ये double displacement reaction का type था बेटा। Double displacement में क्या होता है? Exchange of ions होता है। आपको सबको पता है exchange of ions होता है। Cation और anion का exchange हो जाता है। तो ये double displacement का type है। That is gas formation, है ना? चलिए 9th class और 8th class के बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा ये, बट 10th क्लास के बच्चे मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि गैस फॉर्मेशन रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट का टाइप है। अब ये जो CO2 निकलती है बेटा, क्या होता है सेटअप में, जब आप सेटअप को उल्टा कर देते हैं, देखिए सेटअप को जब आप उल्टा कर देते हैं तो ये शटल कॉक तो यहां पर फिट होती है ना, अब जैसे ही आपने उल्टा किया तो यहां पर आपका बेकिंग सोडा आपने बंद करके रखा था, और विनेगर क्या करेगा, नीचे की तरफ फॉल डाउन करेगा, ग्रेविटी के एक्शन से विनेगर नीचे की तरफ आएगा। अब विनेगर और ये रिएक्ट करेंगे तो फॉर श्योर CO2 गैस निकलेगी, तो CO2 अंदर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जब बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा CO2 का, क्योंकि गैस है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, तो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगी वॉल्स के ऊपर, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना मतलब ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो होगा क्या बालक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो गैस है ये नीचे की तरफ क्या करेगी, एक्शन फोर्स लगाएगी, उल्टा फोर्स लगेगा इस पर, रिएक्शन फोर्स, और ये बोलेगी राधे 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 श्याम, प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में जाएगी, ठीक है। तो अभी ज्यादा हमको प्रोजेक्टाइल की डिटेल में नहीं जाना है, बट हमें यह पता होना चाहिए कि हम ये रॉकेट घर पे बना सकते हैं। तो जो पढ़ रहे हैं हम, 10th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं मेटल बाय कार्बोनेट और कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एन एसिड टू गिव सॉल्ट प्लस H2 प्लस CO2, तो बेटा एक्चुअली में सॉल्ट प्लस कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड फर्दर डिसोसिएट होता है, तो उसी से हमने रॉकेट बनाया। आई होप आपको मजा आया, एक बार फिर इस रॉकेट को देख लेंगे और इसकी ब्यूटी को एडमायर करेंगे फटाफट से, फिर मैं आपको एक और रॉकेट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। ये देखिए पट, ये गिरा पड़ा, चलिए यहां तक की कहानी अगर समझ में आई तो चैट बॉक्स में एक बार लिख देंगे आए, सर आए लिख देंगे, जल्दी से लिख देंगे आए, समझ में आ गया। बेनिफिट्स ऑफ दिस इज कि बेटा पहली चीज
कि आप एक्सपेरिमेंट जो आप पढ़ रहे हो, जो रिएक्शंस आप पढ़ रहे हो, आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जा रही है, आप न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन और केमिस्ट्री को दोनों को लिंक करवा पा रहे हो, राइट? आए एक बार जो आए तो बार बार गोप्रे पे आ जाए। तो बेटा सिर्फ पढ़ के रटना नहीं है, सुनील सर आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि बेटा ऐसा होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिनको अब नहीं समझ में आया वो यहां से समझ में आ गया, जिनको मेटल बाय कार्बोनेट और कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन नहीं समझ में आई वह आ गई होगी। ठीक, तो चलिए अगला रॉकेट बनाते हैं हम, ठीक है ना? अच्छा, अगले रॉकेट का कुछ जो डिजाइन है वो इस तरीके से, ये मैं आपको थोड़ा सा उड़ा के दिखाऊंगा क्योंकि ये हानिकारक नहीं, पेपर रॉकेट है, ठीक है? तो ये अपन को ज्यादा हार्म नहीं करता है और ये कुछ तोड़ा फोड़ी नहीं करेगा, ना ही इससे आग लगेगी ना ही कुछ होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सेटअप है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है ना बेटा? आपको मैं पूरी तरीके से सेटअप बनाना सिखाऊंगा। आपको क्या चाहिए? हाफ इंच का पीवीसी पाइप चाहिए। आप दुकान पे जाइए, बोलो मुझे आधे इंच का पीवीसी पाइप दो, तो ये आउटर डायमीटर जो है इसका, ये 0.84 समथिंग सेंटीमीटर के आसपास में मिल जाएगा आपको, है ना? ये आधे इंच का पीवीसी पाइप आपको लेके आना है, और कितना लेके आना है? 3 फुट लेके आना है, ठीक है ना? 1 फुट आपको 16-17 रुपए के आसपास में पड़ जाता है, तो आप 3 फुट पाइप लेके आइए, ठीक है? 45 डिग्री एल्बो कनेक्टर लेके आइए। 45 डिग्री एल्बो कनेक्टर, जैसे ये जो लगा हुआ है ये 45 डिग्री एल्बो कनेक्टर है, दो पीवीसी पाइप को जॉइंट करने के लिए, दैट इज नोन एज 45 डिग्री एल्बो कनेक्टर। एक इलेक्ट्रिकल टेप चाहिए रहेगी। हमारी इलेक्ट्रिकल टेप कहां गई? हमारी इलेक्ट्रिकल टेप ये रही, पूरी खत्म हो गई है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए उसकी वजह से। एक खाली बॉटल चाहिए रहेगी, 2 लीटर की बॉटल ला सके तो बहुत ही बढ़िया है, अच्छा सा खेल हो जाएगा इसके अंदर। ये बढ़िया सी 2 लीटर की बॉटल आप लोगों को दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, ये रही, है ना? अच्छा, और A4 साइज के थिक पेपर चाहिए रहेंगे। जैसे मेरे पास तो क्या है कि मेरे ड्राइंग शीट पड़ी है, तो उस ड्राइंग शीट का थिक सा पेपर मेरे पास है, ठीक है? तो ये आपको चाहिए रहेगा, है ना? अब सर करना क्या क्या है? देखिए पहला स्टेप जो है मैं समझाऊंगा, पहले एक बार देख लीजिए कितना ऊपर जाता है रॉकेट, कितना ऊपर तक जाता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसको बनाना कैसे है। तो जो भी बच्चे समझना चाहते हैं तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात और घर पे जाके बनाएंगे, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो देखिए आपके प्यारे सुनील सर खड़े हैं यहाँ पे, मैं एक बार फिर से क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ पर वीडियो कैमरा को ऑफ कर देता हूँ, सिर्फ आप मेरी सुरीली आवाज को सुन पाएंगे। ये आपके प्यारे प्यारे सुनील सर है ना खड़े हुए यहाँ पे। अब देखिए बेटा यही सेटअप है जो आपको दिखा रहा हूँ, सेम सेटअप वहां पर रखा हुआ है, यही सेम सेटअप है, ठीक है? अच्छा, अब उड़ा के देखते हैं इसको, देखिए कितना ऊपर तक जाता है। ये मारा हमने स्टॉम्प, तेज मारा, ये देखिए रॉकेट की हाइट, समझ में आया? देखिए फिर से करके देखते हैं, एक बार फिर से देखेंगे, जोर से पटाक उड़ेगा रॉकेट ऊपर तक, ठीक? बिना धमाका बिना बम के आराम से स्टॉम्प रॉकेट घर पे बना सकते हैं। ये सेटअप मार्केट में 600-800-1200 रुपए तक का मिलता है, आप खुद का बनाएंगे तो 100 रुपए के अंदर अंदर काम हो जाएगा। 10 रुपए की इलेक्ट्रिकल टेप लगती है और आपका 55-60 रुपीज का पीवीसी पाइप आ जाएगा, ठीक है? बॉटल सबके घर में मिली जाती है, तो 65 रुपीज में आप ये रॉकेट घर बैठे बना सकते हैं, 65 रुपीज में, सिर्फ और सिर्फ 65 रुपए का रॉकेट है ये, आप घर पे बनाइए और साइंस के मजे लूटिए, साइंस को एंजॉय कीजिए। अब देखिए करना कैसे है प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी बच्चियों, ध्यान से समझेंगे करना कैसे है, करना कैसे है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखिए बेटा यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक रॉकेट का जो बेस है पहले वो सेटअप कर लेना। तो बेस सेटअप करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि ये जो आपका पीवीसी पाइप है इसके अराउंड पे आप पेपर को रोल करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा ढीला होना चाहिए पेपर ताकि इसके ऊपर, जैसे ये है, ये इसके ऊपर ऊपर नीचे जा सकता है, ऐसे हो सकता है, वरना जाएगा कैसे, ऊपर कैसे जाएगा, है ना? थोड़ा ढीला होना चाहिए ताकि फ्रिक्शन क्या हो, कम हो। तो इसको आराम से आप पकड़ेंगे ऐसे और फिर टाइटली इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे टाइटली इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। इतना टाइट नहीं होना चाहिए कि मूव ना कर सके, अभी ये मूव कर रहा है, ठीक है? इसको ऐसे रोल करते जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे इस तरीके से कुछ रोल करते जाएंगे, ठीक है? है ना, समझ में आ रही है बात? इस तरीके से रोल कर लेंगे हम। अब देखिए यहां रोल कर लिया है, इसको काट के और टेप से, इतने पार्ट को काट के टेप से रेडी कर लेंगे, ठीक है? तो ये तो हमारा हो गया पहली बेसिक सी चीज। तो जब आप इसको टाइटली टेप से चिपका देंगे तो कुछ इस तरीके से आपको बेस नजर आएगा, दिख रहा होगा आप ही लोगों को, सबको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उड़ा के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी उड़ा के दिखाऊंगा। तो जो बेस है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, है ना? अब ये ऊपर मैंने नोज क्यों बना रखी है, सभी को पता है ये नोज मैंने बना रखी है ताकि ये जो है इजीली आगे मूव कर सके, इसका प्रोपल्शन अच्छी तरीके से हो, ठीक है ना?
तो इसके लिए मैंने यहां पर लगा रखी है नोज, एक्चुअल रॉकेट में सिस्टम होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से बनाना है। एक नॉर्मल पेज को आप जब रोल करेंगे सेंटर से तो आप क्या कर सकते हैं, कोन बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज पता होगी कि यार ये कोन कैसे बनाना है। ये सेंटर से लीजिए और इसको ऐसे देखिए, ये देखिए ऐसे होल्ड किया और ये टाइट हो गया। दिखा रहा हूं बना के, टेंशन मत लीजिए, इसको ऐसे कर दिया, मस्त। अब इसको जितना आप टाइट कर सकते हो उतना टाइट कर दीजिए इसको, ठीक। उसके बाद क्या करना है सर, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप बेटा ये है, इसको टाइट करते जाना है जितना आप टाइट कर सकते हैं। इसको होल्ड किया, फिर ये वाले पार्ट को, ये देखिए ये वाले पार्ट को अंदर डालना है। क्या करना है, इस वाले पार्ट को, ये जो है ना इसको इसके अंदर डालना है। नोज बना रहे हैं हम, इसकी अंदर डालना है। जिस पॉइंट पर ये भिड़ रहा है उससे थोड़ा सा आगे जाके आप इसको क्या कर दीजिए, इतने पार्ट को बेंड कर दीजिए। यहां से आप इसको क्या कर देंगे, आराम से इसको कट कर देंगे और फिर इसके ऊपर आप इसको स्टिक अराउंड कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपको सेटअप दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, इसको जब आप रोल अराउंड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इसके ऊपर एक कोन बन के आ जाएगा। तो हमारी रॉकेट की बॉडी तो क्या है, रेडी है। दैट इज नथिंग बट अ पेपर रॉकेट। बेसिक सी बात तो समझ में आई नहीं होगी सभी को। अब करना क्या है सर, सबसे पहले आपका जो आधे इंच का पीवीसी का पाइप है, इस बॉटल के अंदर आप उसको अच्छी तरीके से डाल देंगे। इस बॉटल के अंदर मैंने इस पीवीसी पाइप को क्या किया हुआ है, अंदर डाला हुआ है। अब देखिए आप जो पीस लेके आएंगे उसको बराबर दो पार्ट्स में काटेंगे। ये एक पार्ट आपने ले लिया, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा इस तरफ इसको ड्रॉ करता हूं ताकि सबको दिखाई दे, वरना फिर से दिक्कत आएगी, लोगों को दिखाई नहीं देगा वो दिक्कत हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले आपने इतना पार्ट लिया और इसको बॉटल के पार्ट में पूरी तरीके से अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, 45 डिग्री का आपके पास क्या है, एल्बो है। 45 डिग्री का आप एल्बो लेंगे और उस एल्बो को यहां पर आप जोड़ देंगे, ठीक है। फर्दर उस पे आपका जो दूसरा पाइप है उसको आप लगाएंगे और इसके ऊपर, मतलब कुछ इस तरीके से सेटअप दिखाई देगा कि ये एल्बो है और इसके अंदर से दूसरा पाइप लिंक्ड है और इसके ऊपर आप अपने पेपर रॉकेट को रखेंगे, ठीक है। तो फिर से वही चीज है और थोड़ा सा हम इसको ढीला इसलिए रखते हैं ताकि जो गैसेस है वो एस्केप कर सके। अब होगा क्या, आपको भी बेसिक फिजिक्स पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं बेटा। देखिए क्या होगा, ये आपकी बॉटल है बेटा, है ना, ये आपकी बॉटल है। इस पर आप जोर से प्रेशर लगाएंगे, जोर से फोर्स लगा रहे हैं, धक्का मारेंगे तो ये बॉटल क्या हो जाएगी बेटा, ये बॉटल कंप्रेस होगी, होगी कि नहीं होगी, बॉटल कंप्रेस होगी। तो आप क्या कर रहे हो, आप एरिया रिड्यूस कर रहे हो, तो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स में अंतर है, ये फ्लूइड है, गैस भरी हुई है, अंतर है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे आप करते हो ना घर में वो पाइप होता है, पाइप वैसे जोर से दबाते हो तो पाइप की धार तेज हो जाती है, जो उसके स्ट्रीम है वो तेज हो जाती है, वहां होता क्या है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। आप एरिया कम करते हो, प्रेशर कम, वेलोसिटी ज्यादा, तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स आप भरे हुए, ये फटाफट से जाएंगे और ये रॉकेट की जो बॉडी है इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, है ना। अब इसमें भी आपका एक खेल है जो मैं आपको समझा देता हूं। आपका ये जो रॉकेट का ये जो बेस आप बनाएंगे, इसके एक एंड को आप टेप से अच्छी तरीके से कवर कर देंगे पूरी तरीके से। ये जो टॉप वाला एंड है ना, ये वाला एंड, इसको टेप से पूरी तरीके से बंद कर देंगे ताकि यहां से एयर जो है वो एस्केप ना कर सके, ठीक है ना, ताकि प्रॉपर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो सके हमारा, ठीक है ना। समझ रहे हैं यहां पे मेरी बात को, समझ रहे हैं ना आप लोग कि यहां पर आपको क्या करना है, पूरी तरीके से टार टेप लगाना है इसके हेड के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया, पेपर लिया और पेपर को इस वाले पीवीसी पाइप के ऊपर जोर से रोल किया और इसका जो ये बेस वाला पार्ट है, जो सिलेंडर के शेप का है, बनाया, जो उसका हेड है उसको टाइटली टेप से आपने क्या कर दिया, कवर कर दिया ताकि एयर उसमें से पास ना हो पाए। उसके ऊपर आपने उसका नोज बनाया कोन के शेप में, उसको आपने फिट कर दिया। फिर आपने ये पाइप, आपके जो पीवीसी पाइप, उसको दो इक्वल पार्ट्स में काटा, एक पार्ट को इसके अंदर आपने इंसर्ट कर दिया, एक पार्ट को आपने क्या कर दिया, एल्बो के थ्रू यहां से कनेक्ट कर दिया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप यू कैन सी दिस पार्ट, है ना। और जो बचा हुआ पीवीसी पाइप है पूरा का पूरा, जो 3 फुट है, इसको यूज मत कर लीजिएगा, कुछ पार्ट को बचाएगा ताकि आप ये ट्राइंगुलर स्टैंड, मैंने इसी से जुगाड़ लगा के ट्राइंगुलर स्टैंड बनाया है, 3 पीवीसी पाइप्स को जोड़ के एक स्टैंड बना दिया है ताकि ये खड़ा कैसे, वरना ये सेटअप कैसे होगा, ये स्टैंड स्टिल कैसे होगा, है ना, ये ऐसे खड़ा कैसे रहेगा, है ना। चलिए अब जब आप इस रॉकेट को यहां पर इस पे रखेंगे तो क्या होगा, देखिए बेटा जब आप क्या करेंगे, जब आप जोर से इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, मतलब आपने जोर से फोर्स लगाया, तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो फटाफट, क्योंकि क्या है कि एरिया कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, वेलोसिटी ज्यादा, तो फटाफट से जाएंगे इसके अंदर से पास करते हुए ये रॉकेट के ऊपर,
ये रॉकेट के अंदर क्या है बेटा, ये रॉकेट के अंदर आपके पास क्या है, यहां पर अंदर की तरफ अगर आप, अभी तो दिख नहीं रहा होगा, अंदर की तरफ अगर आपको दिख पा रहा है तो मैंने टेप से इसको बंद कर रखा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, टेप से मैंने उसको बंद कर रखा है। और अब मजे की बात क्या है, तो बाकी की गैस जाएगी कहां, तो जैसे इसके अंदर से जाएगी, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, तो वो पास तो हो नहीं सकती, तो वो वापस कोलाइड करके क्या करेगी, कोलाइड करके पीछे की तरफ आएगी, ठीक है, पीछे की तरफ आएगी, दैट इज एक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, और रिएक्शन फोर्स क्या होगा, इस पर अप्लाई होगा, हवा में जाएगा। देखिए करके देखते हैं, ये थोड़ा सा ढीला है ना, ये ढीला है, तो इसमें से जो गैस ऊपर भिड़ेगी जाके वापस पीछे की तरफ आएगी ना, देखिए, और फिर उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा। तो देखिए अगर मैं इसको कंप्रेस करूंगा, है ना, तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी गैस के पार्टिकल्स की, वो फटाफट जाएंगे इसके अंदर से पास करेंगे, वो इसके थ्रू पास नहीं कर सकते तो भिड़ के वापस आएंगे, दैट इज एक्शन फोर्स, और इसके ऊपर रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स लगेगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखिए करके देखते हैं, ठीक है, तो क्या पता ये देखिए कहीं ऊपर जा रहा है क्या, आई होप आपने देखा मस्त तरीके से ऊपर गया, राइट, ये हमारा काम करता है, वर्किंग रॉकेट है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम घर पे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि भाई आपका जो ऊपर वाला एंड है ना बेटा, और ये पाइप है, ये पाइप कुछ इस तरीके से है, तो ये जो गैस यहां से जाएगी ना, ये रुक जाएगी और फिर यहां पे पीछे की तरफ जाएगी, ये रुक जाएगी यहां पे पीछे की तरफ जाएगी, और इसका जो अपोजिट फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा, एक्शन नीचे रिएक्शन ऊपर, ऊपर चला जाएगा। जल्दी से बता देंगे, समझ में आया कि नहीं आया, स्टूडियो में जल्दी से बता देंगे, फटाफट से चैट बॉक्स बता देंगे, जल्दी से चैट बॉक्स में बता देंगे समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता देंगे, बेस्ट है, जल्दी से बता देंगे फटाफट से समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से, और समझ में आया और मजा आया तो एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, भाई बहन दोस्त जितने भी हैं सबके साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और बताएंगे कि कैसा लगा, ठीक है, जल्दी से बता देंगे समझ में आया क्या, अरे समझ में आ गया क्या, वाओ, चलिए समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, मम्मी मारेगी, अरे बेटा इतना नहीं, इसमें कोई मम्मी मारती है, ये कोई मारने वाला एक्सपेरिमेंट थोड़ी है, इसमें तो नॉर्मल आप रखेंगे और टक जाएंगे, आराम से उड़ेगा मस्त एकदम तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो करके दिखाया मैंने आपको, अब मेरा रॉकेट यहां से बहुत दूर जा चुका है तो मैं लेके भी नहीं आ सकता, बट आई होप आप लोगों के समझ में आया कि किस तरीके से उड़ा। इस शटल को ट्राई करेंगे, शटल इसमें फिट नहीं होगा, शटल को ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है थोड़ा सा, अरे वाह शटल भी उड़ गई, ठीक है, तो लाइव आपको मैंने करके दिखा दिया, शटल भी उड़ गई, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मदर विल बीट मी, अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा, एक्सपेरिमेंट करो, मम्मी पापा को भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ फिर मम्मी पापा को बाहर बुलाता हूँ, रोज एक्सपेरिमेंट करता हूँ, रोज बुलाता हूँ बाहर की, देखो आज ये किया, आज ये किया, आज ये किया, घर के अंदर करता हूँ तो डांट पड़ती है, घर के बाहर आप करिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ऐसा ना हो कि आप किसी का नुकसान कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये वाला जो सैनिटाइजर वाला रॉकेट बनाया आपने, ध्यान रखिएगा किसी को हाथ पैर ना जल जाए, मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ऐसा ना हो जाए कि आप हाथ पैर जला दो, इसको इसके अंदर इस तरीके से फिल करना है और फिर मस्त यहां पर इसको रख देना है, ठीक है ना, और फिर अभी कोई नहीं बोलेगा कि सर इसको जला के दिखाओ, ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो आई होप आपको ये तीनों रॉकेट्स यहाँ पे समझ में आए होंगे, मैं और कुछ रॉकेट्स लेके आऊंगा, जैसे कि जो वाटर प्रेशराइज्ड रॉकेट होता है कि मतलब वो वाटर के प्रेशर से कैसे उड़ेगा, वो वाला रॉकेट, और आपके होममेड बलून रॉकेट्स कैसे बन सकते हैं, वो मैं सारे सेशंस और लेके आऊंगा, मैच स्टिक से आप कैसे रॉकेट बना सकते हो वो वाला सेशन लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज सुनील सर गोप्रेप, गोप्रेप है जहां तंदुरुस्ती है वहां, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो अपना प्यार दिखाओ इस चीज को, जितना आप प्यार दिखाओगे उतना ही अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स और आएंगे, बिकॉज ये सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन है बेटा, तो आप मोटिवेट कीजिए, फॉर श्योर आगे वाले सेशन और अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अगर कोई भी दिक्कत है तो support@gopra.co पे डाल दीजिए और इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए और इन एक्सपेरिमेंट्स को करके देखिए, मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली वीडियोस भेजिए, बहुत बच्चे भेजते हैं, आप भी भेजिए, करके देखिए अच्छा लगता है, ठीक है। लास्ट क्लास अगर किसी ने नहीं देखी तो ऑप्टिक्स को भी एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे, ये वाले एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत ईजी है, सबके सब घर पे हो सकते हैं, हाथ पैर मत जला लेना, मम्मी पापा के सामने करना, सब कुछ हो जाएगा। चलिए गाइस, तो बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम।